तो आज मैं आपको दिखाऊंगा, ये एचपी का लैपटॉप है, ये एचपी का लैपटॉप है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से आप अपनी रैम चेंज कर सकते हैं, रैम कर सकते हैं, हार्ड ड्राइव कर सकते हैं, प्रोसेसर का है ये चेंज कर सकते हैं। तो आप स्पीकर, यहाँ पे ये दो स्पीकर हैं, एक स्पीकर ये है और एक ये है स्पीकर, यहाँ पर आप देख रहे होंगे। तो आप अगर आपके स्पीकर ख़राब हो जाते हैं तो आप कैसे रिप्लेस कर सकते हैं इसका, स्पीकर का, और आपका ये हार्ड ड्राइव है, रैम है, और भी आपको चीज़ दिखाऊंगा इसमें। तो सबसे पहले मैं दिखाता हूँ हार्ड ड्राइव का आपको। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये स्क्रू है एक, इसको मैं ओपन करूँगा। ये मैंने कर लिया, यहाँ पे ये स्क्रू है, और ये जो स्पीकर का आपको दिख रहा होगा ये मैंने अलग कर लिया यहाँ से। ये स्पीकर है इसका, इसको मैं अलग कर दूँगा, और यहाँ पर यह है तो इसको मैंने इधर साइड में कर दिया, और हार्ड ड्राइव में ये ऐसे निकाल लेते हैं इसको। तो ये आप देख सकते हैं ये हार्ड ड्राइव है, इसमें ये साटा की है, ये साटा है यहाँ पे। तो आप अपनी हार्ड ड्राइव जो है, अगर आप ये हार्ड ड्राइव जो है इसको आप एसएसडी करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ इसको निकाल देंगे और ये है एसएसडी हार्ड ड्राइव। तो आप यहाँ पर इसे एसएसडी को यहाँ पर जाके आपको ये कनेक्टर देखने होंगे यहाँ पर, और ये सेम साइज़ है, ये देखिए ये चली गई यहाँ पे। तो ये आपकी एसएसडी यहाँ पे लग गई है। तो यहाँ पे हार्ड ड्राइव का इस तरह से करते हैं, तो आप एसएसडी हार्ड ड्राइव भी लगा सकते हैं, किन स्टोन है ये। तो चलिए मैंने आपको ये दिखा दिया हार्ड ड्राइव का, ये लगा, और उसके बाद आप इसको सॉकेट, ये आप इसको यहाँ पे इस तरह से रख देंगे यहाँ पे, और ये स्पीकर का है इसका। अगर आपको स्पीकर चेंज करने हैं तो आपके ये वायर जा रहा है, यहाँ पे एक स्क्रू लगा हुआ है, ये तो ये स्पीकर का एक स्क्रू यहाँ पे है, और एक स्क्रू थोड़ा सा मैं छोटा करता हूँ उसको। तो स्पीकर का अगर आपको चेंज करने हैं, ये दो स्पीकर हैं इनको चेंज करना है, तो एक स्क्रू यहाँ था इसका यहाँ पे, और एक स्क्रू ये था, ये दो रखे हुए हैं यहाँ पे, ये दो, एक यहाँ पे और एक यहाँ, और इसको वायर को इस तरह से ये हम निकाल लेते हैं, ये यहाँ से ये निकल जाएंगे और ये यहाँ से निकल जाएगा, और एक इसका यहाँ पर ये कनेक्टर है, यहाँ आप देख सकते हैं ये इसको हम निकाल लेंगे यहाँ से, तो ये स्पीकर हमारा अलग हो जाएगा। तो ये इस तरह से स्पीकर होते हैं, और ये रैम है हमारी, रैम आप चेंज करना चाहते हैं इसमें अगर कम लगी हुई है तो ये रैम इस तरह से निकाली जाती है यहाँ, ये आप देख सकते हैं रैम। तो ये रैम इसमें 4GB की लगी है, तो यहाँ पे हम इस तरह से इसको रखते हैं, ये यहाँ पे ऐसे रखेंगे और इसको नीचे की तरफ प्रेस कर देते हैं, ये हो गया यहाँ पे। यहाँ पे ये प्रोसेसर का है, तो इसके अंदर फ़ैन नहीं है इस लैपटॉप के अंदर, ये खाली एल्युमिनियम की प्लेट लगी हुई है। तो ये मैंने आपको दिखा दिया किस तरह से स्पीकर का आप चेंज कर सकते हैं, और मैं स्पीकर का ये इसमें स्क्रू लगा देता हूँ। एक ये स्पीकर का लग गया और एक ये यहाँ पे लग जाएगा। और ये हो गया दोनों स्पीकर के स्क्रू। तो यहाँ पे आपको ये दो स्क्रू खोलने हैं और ये निकाल लेना है। यहाँ पे एक ये है, मैं आपको दिखाता हूँ, इसको निकालेंगे तो ये स्पीकर आपका आ जाएगा और आप इस स्पीकर का रिप्लेसमेंट कर सकते हैं।